वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2020 में चर्चा में क्यों और कहाँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, देहिंग पटकाई अभयारण्य है, ये चर्चा में रहा है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, होप मिशन जो कि यूएई का मिशन है, ठीक है, ये पूरे अरब देश के लिए पहला मिशन है, मंगल मिशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेरूत धमाका हुआ, क्यों हुआ, किस केमिकल की वजह से हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर देखिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और उस पर एक ऑप्शन होता है ऑल नोटिफिकेशन का, उसको जरूर एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा में है वो ढोल। ढोल एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, इसका दूसरा नाम एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है इसको। इसको कहते हैं ढोल, तो आप याद रखिएगा इसको। ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ढोल के संरक्षण के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, जिसकी वजह से ये जो अध्ययन हुआ इसकी वजह से ये चर्चा में रहा। तो अब आपको जानना है यहाँ पर कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ढोल, जिसको हम लोग एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूओन एल्पाइनस, ठीक है, क्यूओन एल्पाइनस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों में पाया जाने वाला एक जंगली मांसाहारी प्राणी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों के अंदर पाया जाने वाला ये एक मांसाहारी प्राणी है, और ये जंगली मांसाहारी है। इसके बाद है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, भूटान और कंबोडिया में भी ये पाया जाता है। तो अगर आपको बताया जाए कि देश का नाम पूछ दिया जाए कि ये जो ढोल है ये किस जगह पर पाया, किस किस देश में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए भारत, इसके पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, चीन, इन सब का नाम याद रखना है, भूटान, वियतनाम और कंबोडिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इसका अन्य नाम भी है, वो आपको याद रखना है। एक नाम तो आपने याद रखा एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसको ढोल कहेंगे। दूसरा नाम है इंडियन वाइल्ड डॉग, या फिर रेड डॉग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग और ढोल, ये सभी नाम जो है वो एक ही है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यह है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा? केरल के इडुक्की जिले में एक जगह है नयामक्कर टी एस्टेट, ठीक है, तो इसमें एक भयंकर भूस्खलन हुआ और उसके चलते यह चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो इस नयामक्कर टी एस्टेट से बिल्कुल सटा हुआ है, और इसी की वजह से ये चर्चा में रहा। यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ इसमें काफ़ी लोग का नुकसान पहुँचा, ठीक है, ये एक विनाशकारी भूस्खलन था। इसे जो है 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1975 में, और इसे 1978 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा एराविकुलम को कब मिला? 1978 में। इस राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी तहर पाया जाता है, ठीक है, नीलगिरी तहर जो है इस राष्ट्रीय पार्क के अंदर पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में या राष्ट्रीय पार्क में नीला कुरिंजी फूल जो है वो काफ़ी फेमस फूल है, और इसी फूल की वजह से ये जो है राष्ट्रीय पार्क फेमस है, और यह फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। याद रखना है नीला कुरिंजी फूल का नाम है, जो कि 12 वर्ष में एक बार ये फूल जो है वो खिलता है, और ये पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष। अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष जो है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक यह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 168 गुणसूत्र पाए गए हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो एक अध्ययन हुआ है जिसके अंदर ये बताया गया कि इस वृक्ष के अंदर 168 गुणसूत्र पाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किस वृक्ष में? बाओबाब वृक्ष में, जो कि अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है एडानसोनिया डिजिटाटा। एडानसोनिया डिजिटाटा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है,
और इस वृक्ष को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस वृक्ष को क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इस वृक्ष का जो जीवन काल होता है, यानी जो यह जीवित रह सकता है, 100 1000 वर्षों से भी अधिक तक यह जीवित रह सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो इसका फल होता है, इस वृक्ष का जो फल होता है, उसके अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, और इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस वृक्ष के बारे में याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछा जा सकता है, वो बेदू नेविगेशन सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का ये सिस्टम है बेदू। ठीक है, बेदू नेविगेशन सिस्टम जो है, इसे चीन ने लॉन्च किया है। यह चीन का स्वदेशी यानी उसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम के मिलता जुलता है। उसके जीपीएस सिस्टम का एक प्रतिद्वंदी कह दें आप इसको, तो ये बेदू है जो चीन ने तैयार किया है और लॉन्च किया है। चीन ने इसकी शुरुआत जो है वो 1994 में की थी। अब देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि बेदू जो है वो क्या करता है, सही स्थिति जिसको बोलते हैं पोजीशन एक्यूरेसी, तो उसको बताता है, नेविगेशन सिस्टम को बताता है, समय यानी टाइम बतलाता है, और शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन भी जैसी सेवा देता है। बेदू जो है 10 मीटर के अंदर की सही स्थिति को बतलाता है, यानी इसका जो रेंज है वो 10 मीटर तक का है कि इसके अंदर की सही स्थिति को बतलाता है, जबकि जो जीपीएस सिस्टम है वो 2.2 मीटर के अंदर की सही स्थिति को बतलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बेरूत धमाका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चर्चा में रहा क्योंकि लेबनान की राजधानी है बेरूत, और यहाँ पर एक विनाशकारी धमाका हुआ। ये धमाका क्यों हुआ इसको हम लोग समझते हैं। ये धमाका बेरूत के मध्य बंदरगाह वाले क्षेत्र के पास में एक गोदाम था, जिसमें लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक रखा हुआ था, और इसी के कारण हुआ। ये विस्फोटक जो है असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था, जिसके कारण जो है ये विस्फोट हुआ इसके अंदर, और ये विनाशकारी धमाका हुआ। यह विस्फोटक लगभग 6 साल से रखा हुआ था। कितने समय से? 6 साल से यहाँ पर रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जानना है कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हमको कुछ चीज़ें जाननी है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफ़ेद रंग का केमिकल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH4NO3, ये आपको याद रखना है। और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना है, NH4NO3 होता है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर, एरियल सेडिंग। एरियल सेडिंग जो है वो क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि हरियाणा सरकार के जो वन विभाग है, तो उसने पूरे राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, और इसका इस्तेमाल करके हरियाणा सरकार 100 एकड़ के अंदर जो है वृक्षारोपण करेगा, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस एरियल सीडिंग का। तो जानते हैं क्या है ये एरियल सीडिंग, यह एक वृक्षारोपण की तकनीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो ड्रोन हेलीकॉप्टर आदि का इस्तेमाल करके किया जाएगा, और उस क्षेत्र में जो है सीड बॉल्स को डाला जाएगा। तो ये सीड बॉल क्या है, सीड बॉल्स होती है एक मिट्टी और खाद्य जैसे मिश्रण से ढकी होती है। जो बीज होगी, जिस चीज़ का पेड़ उगाना है, जिसे वृक्षारोपण करना है, तो जिसका पेड़ या वृक्ष हमें लगाना है, उसके बीज को क्या किया जाता है, मिट्टी और खाद जैसी मिश्रण से उस बीज को ढक दिया जाता है, और उसके बाद उसको ड्रोन हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के मदद से उसको गिराया जाता है उस क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर। और उसके बाद जो है वो पर्याप्त वर्षा जब वहाँ पर होगी, तो ये सीड बॉल्स जो है वो फट करके अंकुरित हो जाते हैं, और वहाँ पर वृक्षारोपण में मदद मिलती है। तो ये है एरियल सीडिंग, जिसे हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, और 100 एकड़ भूमि का इस्तेमाल वृक्षारोपण में करेगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है होप मिशन। होप मिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है ये होप, जिसका नाम क्या है, होप मिशन। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अरब देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, किसी भी अरब देश का ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, और ये किसने शुरू किया है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने। ठीक है, यह मंगल ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष अभियान है, और इसका जो वजन है लगभग 1500 किलोग्राम से ज़्यादा है।
अंतरिक्ष यान जो है, मैं ये जो अंतरिक्ष यान होप है, ये मंगल ग्रह की जलवायु पर जाकर के डाटा इकट्ठा करेगा, उस डेटा को कलेक्ट करेगा और वैज्ञानिक जो है इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे कि वहाँ पर जो वायुमंडल है उसका क्षय होता है वो किस कारण से होता है, उसका पता लगाने में वैज्ञानिक को इससे हेल्प मिलेगी। होप जो है वो जिस होप अंतरिक्ष यान है 200 दिनों तक मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखिए आप, अगला टॉपिक है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा, असम राज्य सरकार ने इसे अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिस वजह से ये चर्चा में रहा। और इसमें आपको याद ये रखना है कि अभयारण्य जो है असम के कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में फैला हुआ है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में ये देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। इस अभयारण्य के बीच से देहिंग नदी गुजरती है, कौन सी नदी, देहिंग, और इसी के नाम पर ये देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य इसका नाम रखा गया है। इस अभयारण्य को वर्ष 2004 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, कब किया गया, 2004 में। ठीक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इस तरह की टॉपिक और भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इससे पहले हमने एक इस तरह की वीडियो और भी डाली थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।